देखिए ना भरभूति जी, पूरे भारत में बारिश हो रहा है लेकिन कानपुर में ना ही हो रहा है। मालकिन, अभी आपने बादलों को हुक्म दिया कहाँ है? एक बार हुक्म देके देखिए, बादल भर भरा के बरस जाएंगे। हम तो रोज ही हुक्म देते हैं लेकिन बादल है कि बरस ही ना ही रहे हैं। भाभी जी, हमको हुक्म दीजिए ना, बादल नहीं बरस रहे तो क्या हुआ, हम बरस जाएंगे और ऐसा बरसेंगे कि सारा बोर कर देंगे। अब बोर तो कर ही रहे हैं आप भैया जी। देखिए भरभूति जी कौन है ही और हमसे कैसा बात कर रहे हैं। अबे ओ, मोहल्ले की सबसे ज्यादा सुंदर, सुशील, खूबसूरत सबरान महिला के साथ बदतमीजी करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या बे? नहीं साहब, शर्म नहीं आती, बड़ा मजा आता है हमें। आपको शर्म आती है क्या? और अगर आती भी हो तो अपना जाइए, कहीं डूब डाब के मर जाइए ना। परमोति जी, हमरा दुपट्टा ले लिए। मालकिन का दुपट्टा वापस कीजिए। नहीं, दुपट्टा वापस कीजिए मालकिन का। दुपट्टा वापस नहीं होगा भाभी जी, कतई हॉट है लेकिन। हॉट तो है भाई, पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा कानपुर जानता है भाभी जी है तो हॉट। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। तो काम करो, दुपट्टा ले जाओ, भाभी को ही छोड़ दो। भाभी जी, वेयर इज माय गॉगल? ये लीजिए। थैंक यू, सॉरी। भाभी जी आप प्लीज साइड में आके देखिए। हम आप अपना सिडक्शन चालू रखिए। भाभी जी एक्शन होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं, अब चालू रखिए, हम वहां से देखते हैं। हां प्लीज भाभी जी, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। हां हां ठीक बा। भाई जरा इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 6 कॉपी निकाल देना। ओ, ओ, कुछ कॉपी हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। अरे चाचा जी आप यहाँ? हाँ हाँ, हो गया कि मालिक ने ना कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं फोटो कॉपी करवाने के लिए, तो वही लेके आया था। भाई क्या बात है, आपको भी मानना पड़ेगा चाचा जी, मतलब न जाने किस जमाने का आप फर्ज अदा कर रहे हैं। तू नहीं समझेगा डॉक्टर। मुझे समझना भी नहीं है। अरे भाई सुनो, ये एक एक पन्ने की 100-100 कॉपी दे, और जो इसका बिल है ना वो मेरे मालिक के नाम लिख देना। मालिक कौन है तुम्हारा? नहीं नहीं, उनका नाम नहीं ले सकता मैं। तो फिर किसी और के खाते में डाल दूं? अरे भाई मेरे मोबाइल में उनका फोटो भी नहीं है, मैं जब जाऊंगा तो लेके आऊंगा। पहले लेकर आओ। अरे बहुत दूर है भाई।
तो नाम लिख दो। अरे नाम लिखना तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो एक काम करो ना यार, किसी और की जुबान से नाम बुलवा लो। यार किसकी जुबान से बुलवा लूं, उनका नाम समझ में भी नहीं आ रहा, कोई हो तो मैं बुलवाऊं भी यार। अरे ओए ओए, अब लौंडे जरा जरा बोलिए चाचा जी। मेरी एक हेल्प कर दे बस, ये बता कि ये जो मॉडर्न कॉलोनी में जो है ना, जो कच्चा बनियान की दुकान करते हैं, उनका नाम क्या है? जिनकी बीवी का नाम अंगूरी है। हाँ, वही, 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 बता, बता, क्या नाम है उनके पति का? जो बात बात पे सही पकड़े बोलती है। काल नोच लूंगा तेरे, बिल्कुल सही कह रहा है एकदम। हाँ बता बता, उनके पति का नाम क्या है? उनके पति का नाम ना, हाँ। नहीं पता। यार कैसा लौटा है, बीवी की पूरी डिटेल रखे हुए और पति का नाम ही नहीं मालूम। ओ चाचा, कॉपी करानी नहीं करानी? अरे भाई करानी है, रुक जाओ यार, लेकिन समझ नहीं आ रहा किसकी जुबान से यार नाम बुलवाऊं। अबे ओए ओए सुनो, ओए नचेड़ू, ओए याद रख लौंडे जरा, यार मेरी एक हेल्प कर दे। क्या? ये बता यार, जो मेरे घर के सामने रहते हैं उनका नाम क्या है? मनमोहन तिवारी। हाँ हाँ, यही से बता, बता जरा अपने मुंह से बता, ऐसे बता। मनमोहन तिवारी, कच्चा बनियान। यही है मेरे मालिक का नाम। हाँ हाँ सुन लिया, आजकल मनमोहन तिवारी बड़ी कॉपीज निकलवा रहे। हाँ, भाई बड़े आदमी है ना, धनवान व्यक्ति है तो निकलवाएंगे ही भाई। सुनो भैया, जरा पंखा चला दो, बहुत गर्मी है। हाँ यही तो है मेरे ग्रेट 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 ग्रैंड मालिक। ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? ये फोटो लेके आए थे ना मनमोहन तिवारी अभी कुछ रोज पहले। हाँ? इतनी से फोटो लाए थे? अच्छा अच्छा, बोले बड़ी कर दो, हमने बड़ी कर दी। हाँ? भाई साहब इतनी कॉपियां निकलवाई है ना उस दिन, पेपर खत्म हो गए सारे दुकान के। हाँ? हमने फिर पूछा उनसे, ये कौन है जनाब? हाँ, फिर क्या 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 बोले वो, क्या बोले? तो कहे कि होगा कोई घुइया उखाड़ू, हमें क्या। और बाद में एक चीज और बोले कि पड़ोसियों की बैंड बजवानी है। ये हमारे खानदान की आन बान शान है, हम दुनिया से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने दादाजी के विषय में एक एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। खली बली सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय, ये हमारे भगवान हैं, इनके पैर अपने माथे पे लगाओ, ये हमारे बादशाह हैं। अरे मुझे पहले से पता था कि ये दो कौड़ी का लीचड़ आदमी हमारा बादशाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके अंदर तो मालिक भक्ति का भूत सवार था। इसने डेविड मिश्रा से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं इसका बैंड बजा दूंगा। अच्छी बात है, लेकिन बैंड बजाएंगे कैसे? इसे सेवा करवाने का बहुत शौक है ना। हाँ, सेवा कराने का शौक तो बहुत है। तो बस सेवा करेंगे और जम के सेवा करेंगे इसकी। आप अकेले सेवा करेंगे, हमें ही मौका देंगे। चिंता मत कर तू खचेड़ो, तुझे तो मैं पूरा मौका दूंगा इसकी सेवा करने के लिए। Pick up the glass. चल। Bottoms up. मालिक, हम आ गए मालिक। इतना लेट क्यों आए खादिम? चार्ज को निकलने से पहले बहुत तेज से प्रेशर आ गया था। तो तुम क्या कर रहे थे वहां खादिम? हमारे बाथरूम के दरवाजे की कुंडी खराब हो गई है, तो दरवाजा पकड़ के खड़ा था। खड़े क्यों? मालिक तो। जी जी मालिक। हुई 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 हुई। जी मालिक।
देख क्या रहा हूं ऊपर से तिवारी के तोते लाल हो गए हैं, उसकी हड्डियों का चूरमा बन गया चूरमा, और चूरमे को बटोर के वो दोबारा हड्डियां रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा गैप कर ले, समझ रहा है तू? क्या है कि मालिश के चक्कर में जो उसकी कुटाई की है ना, अगर उसको जरा सा भी डाउट हो गया तो सारा मजा अधूरा रह जाएगा यार। चाची इस बार बीज हम नहीं बोएंगे। तो कौन बोएगा? भाभी जी बोएंगी बीज। हाँ, खेल सारा हम खेलेंगे और नाम आएगा भाभी जी का। अरे तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा आप हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर लेंगे, लेकिन प्लीज ओवर एक्टिंग बिल्कुल मत कीजिएगा वरना पोल खुल जाएगी। हाँ ठीक है, कर दूंगा यार। अरे क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? हाँ हाँ, तिवारी खानदान के महाराजा खली बली सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय मिर्च वाले गुलाब जामुन खाते थे। अरे यही तो उनकी जवानी का राज था। 160 साल तक जिए थे और 16 बच्चे पैदा किए उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं चाच, अगर इंसान मिर्ची वाले गुलाब जामुन खाए तो उसकी उम्र लंबी होती है और वो हर साल एक कैलेंडर छापता, मतलब बच्चे पैदा करता है। अरे लाइन लग जाती है लाइन। काश कि ये फॉर्मूला हमारे मालिक को मालूम होता तो फिर हमारे मालिक के आंगन में भी दर्जनों बच्चे खेल रहे होते। मुझे ऐसा लगता है कि मालिक को इस बात की खबर नहीं है। आप चाच एक वफादार खादिम होने के नाते क्या मैं ये फॉर्मूला अपने मालिक को बता दूं कि मिर्ची के गुलाब जामुन खाने से उम्र लंबी होती है और आदमी बच्चे पैदा करता है? हाँ तो बता देना जाके। लेकिन डरता हूं चाच। किस बात का डर है भाई? वो भाभी जी को सांस लेने देंगे नहीं फिर उसके बाद? अब चाहे कछु भी हो जाए, ई मिराज वाले गुलाब जामुन हम लड्डू के भैया को खिला कर ही रहेंगे। हाँ कर रहा है कि हम महाराज को लाल मिर्च वाले गुलाब जामुन खिलाएं। तो क्या आप दोनों को लाल मिर्च के गुलाब जामुन बनाना आता है? बेशक महारानी, हमारी तो पीढ़ियां ही ये मिर्च वाले गुलाब जामुन बना बना के बुढ़ी हो गई। क्या बात कर रहे हैं? तो ये हमारा आदेश है कि आज महाराज के लिए भोजन में लाल मिर्च के गुलाब जामुन बनाए जाएं। बेशक बेशक बेशक। शुद्ध देगी मिर्च डालना। बेशक बेशक बेशक। थैंक यू, लव यू योर हाइनेस। अरे भाई खादिम, हमारे लिए रॉयल स्वीट्स लेकर आए। योर हाइनेस।
हाइनेस होता है रानी साहिबा। ऐसे ही पकड़े हैं भाई ना आपके लिए स्पेशल रॉयल स्वीट गुलाब जामुन। रॉयल स्वीट गुलाब जामुन होता है रानी साहिबा। ऐसे ही पकड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक जिम्मेदार नागरिक मिस्टर अनोखेलाल सक्सेना जी हैं, जिन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी है कॉलोनी को कचरा मुक्त बनाने की, और इसके लिए इन्होंने मुहिम भी छेड़ रखी है। ये शहर में जगह जगह कचरा इकट्ठा करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं और उसके बाद उसका सही उपयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। यूं तो ये काम इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं ना, रोशनी घर हो खुदा को मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। तो आइए बात करते हैं मिस्टर अनोखेलाल सक्सेना जी से। अभी तक कैमरा घुमा। हाँ तो सक्सेना साहब, मैं ए टू जेड न्यूज चैनल से रिपोर्टर बालम दुबे आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। सक्सेना साहब, आप ये बताएं कि आपका जो इतना बड़ा आंदोलन जो छेड़ा है आपने, उसमें कितने लोगों का सपोर्ट है? अफसोस की बात है कि मुझे इतना बड़ा आंदोलन मैंने छेड़ा है पर किसी एक बंदे का भी सपोर्ट नहीं मिला मुझे। क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब इतना बड़ा आंदोलन आपने छेड़ा है और एक भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं है? आंदोलन छेड़ा है तो कोई सपोर्ट नहीं मिला। कोई औरत छेड़ी होती तो हजारों पत्थर आ जाते हाथों में। नहीं नहीं सक्सेना जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। भाई हम तो हमेशा से आपके सपोर्टर रहे हैं और आगे भी रहेंगे, बशर्ते हमें ये तो पता चले आप काम क्या कर रहे हैं। तू बिल्कुल सही कह रहा है डॉक्टर, कभी कभी तो ये सक्सेना को सपोर्ट करने के चक्कर में हमारी खुद की बैंड बच जाती है। ये तो एक बार कोरोना के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, तो हम तो ऐसे ना कर सकते हैं ना। आई लाइक इट। ये क्या बवाल है? ये बवाल ना ही उपाय है। किस चीज का उपाय है? जब तिवारी खानदान में संतान नहीं होती है तो उनको मिर्ची वाले गुलाब जामुन खिलाए जाते हैं। ये क्या बात कर रही हो? हुजूर, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि संतान प्राप्ति के लिए तिवारी खानदान ने हमेशा तीखे गुलाब जामुनों का सहारा लिया है। क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं था। अब भी नहीं है। खली बली। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि तीखे गुलाब जामुन खाने से ही संतान प्राप्ति होती है। लेकिन जो तिवारी खानदान की परंपरा है उसका क्या करेंगे? अपने गिरिबान में झांक के देखिए, आपको इस बात का एहसास होगा, आपको महसूस होगा कि आप भी तीखे गुलाब जामुनों की पैदाइश है। के भैया भी तीखे गुलाब जामुनों का पैदाइश है। तिवारी खानदान की मशहूर पुस्तक कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा में साफ साफ इस बात का जिक्र है। इसीलिए आपसे निवेदन है आदरणीय खली बली महाराज जी कि आप गुलाब जामुनों का सेवन करें। खाइए ना महाराज। और अगर हम नहीं करें तो? तिवारी खानदान की मशहूर पुस्तक में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई खाने से नानुकुर करे या एतराज करे तो उस पर बल का प्रयोग करें।